कबीरधाम जिले में किसानों को गन्ना आपूर्ति के लिए पर्चा जारी कर दिया गया है। साथ ही गन्ना किसानों के द्वारा गन्ना शुगर फैक्ट्री में लाना भी शुरू हो गया है। लेकिन सरकार ने आखिर इतनी देरी से आदेश जारी क्यों किया, इसको लेकर भूपेश सरकार के कार्यों पर सवाल खड़े हो गए हैं। भोरमदेव और सरदार वल्लभ भाई पटेल शुगर फैक्ट्री में गन्ना किसानों की समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। किसान कभी भुगतान की समस्या तो कभी बोनस की तो कभी पर्ची की समस्या से घिरे होते हैं, लेकिन सरकार ने इस गंभीर मसले पर चुप्पी क्यों साधी हुई है, यह बात किसानों को और भी ज्यादा परेशान कर रही है। कबीरधाम में मंत्री अकबर भारी बहुमत से अपना परचम लहराने के बाद किसानों की समस्याएं हल क्यों नहीं कर पा रहे। मंत्री अकबर दौरे तो करते हैं, लेकिन मृतक के परिजनों को राशि देने तक ही उनका दौरा सीमित है। किसानों को वह नजरअंदाज कर रहे हैं या सच में उनको समस्याएं नजर नहीं आती, यह भी सोचने वाली बात है। कारखाना द्वारा मेंटेनेंस कार्य में अविलंब करके समय से पहले दोनों कारखाना के पेराई सत्र 1 नवंबर से गन्ना खरीदी न करना, अब सरकार बनते ही किसानों को रियायती दर में शक्कर देना बंद करना और 0.85 गन्ने की ही खरीदी करना, बाकी गन्ना 86, 32, 98, 05, रसगुल्ला, मलागढ़ 265, अन्य गन्ने की खरीदी पर रोक लगाना, यह सरकार के कार्यों पर सवाल उठा रही है।